वेरी गुड इवनिंग ऑल माई डियर स्टूडेंट, आप सबके लिए लव यू ऑल। माई नेम है हरिम सिंह राजपूत और डेट 24/7 में आपका स्वागत है। तो आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है बेटा, एक वैकेंसी आई हुई है, जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए लेटेस्ट अपडेट है, तो वो सब लोग बने रहे। क्या वैकेंसी है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो एक वैकेंसी आई हुई है तो आप रेल टेल में, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। रेल टेल में जो है वैकेंसी आई हुई है, बात यह तो यहाँ पर देखोगे आप, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बात यह, और बहुत अच्छी जॉब होती है। जैसे अपन बात करें कितनी वैकेंसी है कितनी वैकेंसी नहीं है, पोस्ट की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट एंड लेवल की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, फिर जनरली कितनी है, रिजर्वाइज कितनी है, बैकलॉग वगैरह की, ST OBC वगैरह, और नंबर ऑफ पोस्ट फॉर फिजिकल हैंडीकैप के लिए कितना है। तो पहला आता है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल, सैलरी देखो बेटा पे ऑफ स्केल बहुत बढ़िया है, 40,000 से लेके 1,40,000, 10.70 आपका ये और ये। तो यहाँ देखो 24 है, 24 में से जो OBC की है वो आपका 9 है, SC की 8 है और SC की 7 है, TWS की 0 है, ठीक है। सेकेंड इसी में देखो, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आप यहाँ पर देख लेना, डिप्टी मैनेजर है वही सेम आपका ये, तो वहाँ का ही ये, तो यहाँ पर आपका 1 है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। और सिविल के लिए देखें, सिविल के लिए भी वैकेंसी क्या है आपका 1 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो E1 में डिप्टी मैनेजर में, उसमें जो वैकेंसी है वो 24 है, ठीक है बेटा। चलो इसकी और बात करते हैं कि क्या 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 पूरी बात करते हैं। चलो डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग 6 वैकेंसी है यहाँ पर, और 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और डिप्टी मैनेजर लीगल 1 1 और ये आपके। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी सैलरी बहुत बढ़िया है, और सैलरी आपको दिखाई दे रही होगी 40,000 से लेकर 1,40,000, सैलरी बहुत बढ़िया है। फिर आपको ग्रुप सेकंड में, ग्रुप सेकंड में ये वैकेंसी आपको दिखाई, सीनियर मैनेजर वगैरह ये, तो ये। उसके बाद मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में ये वगैरह, डिप्टी मैनेजर ये, सिक्योरिटी वगैरह, खूब सारी वैकेंसी, खूब सारी वैकेंसी। बात करें जैसे टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ 69 है, ये आपको 10 है, ये इंपॉर्टेंट है डेटा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट, डेट्स की बात करें, अपलोडिंग ऑफ डेट वैकेंसी नोटिस ये है 14 जनवरी 2022, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके 15 से ही, और जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 23 फरवरी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, असेंशियल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए आपका, यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, ऑल द एजुकेशन प्रोफेशनल मेंशन इन, वो पहले वाले कॉलम में मेंशन किया गया, आगे बात करते थे पूरा डिटेल में ये, ठीक है। ये अपने काम का एज लिमिट, तो मिनिमम है 21 ईयर्स, मैक्सिमम है 20, आपका 21 से 28, E1 के लिए, जो लेवल 1 के लिए भर रहे हैं ये आपका ये, और जो लेवल 2 के लिए, लेवल E2 के लिए बढ़ रहे हैं वो 23 एंड मिनिमम है, 30 मैक्सिमम है, और जो लेवल 3 के लिए बढ़ रहे हैं वो क्या है, मिनिमम 27 है और मैक्सिमम क्या है आपका 34 है, ये वैकेंसी। एज रिलैक्सेशन OBC के लिए क्या 3 साल का है, ST SC के लिए 5 साल का है, और आपका ये इसके लिए आपका जो है, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी उसके लिए आपका 10 साल और 13 साल, चलो ठीक। ये एज रिलैक्सेशन है, नो प्रॉब्लम, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात की जाए कि फॉर्म इसमें ये वर्क ये वगैरह ये भी अपने इतना वो नहीं है। देखो बात करें नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन का होगा, एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम जो मार्क्स है 150 नंबर के, और इंटरव्यू जो है 50 नंबर का, टोटल ड्यूरेशन जो है उसकी, जो पेपर जो होगा 150 मार्क्स का 120 है। सेंटर कहाँ कहाँ पर पढ़ने वाले हैं बता दूँ, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, और डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, यहाँ सेंटर पढ़ने वाले हैं बेटा। क्या क्या आने वाला है नेचर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट में, क्या आने वाला है, एक तो जो आप जिस ब्रांच से हो उस ब्रांच से जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिस भी आप ब्रांच हो, सिलेबस सेकेंड में मेंशन किया गया,
फिर जनरल नॉलेज, आपको जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वो आएगा 50 नंबर। अप्लाई कैसे करने हैं? अप्लाई करने के बाद इस पर आप www.realtail.india.com पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। अपना जो फॉर्म और ईमेल आईडी है वो चेंज नहीं करें, वो आपका जो एक बार आपने भर दिया उसी को ले, उसी को आपको कंटिन्यू करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ओबीसी सर्टिफिकेट एसटी को नो प्रॉब्लम, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मतलब ये है कि आपके लिए गोल्डन चांसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, देखो डिप्टी मैनेजर के लिए, टेक्निकल लिए जो आपका बी इन बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस, ये होना चाहिए आपका। और E1 के लिए वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये दोनों के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो अच्छी ठीक ठाक वैकेंसी है। आप इसमें तैयारी भी लग जाइए, जो आपका सिलेबस, जो आप टेक्निकल पढ़ते हो वही सिलेबस है इसमें। और तो आप देख लेना पूरा ये है, तो मेरा कहने का मतलब ये लेटेस्ट अपडेट है। और ये आपका सिलेबस के बारे में बात करें, नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एनालॉग सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, सिग्नलाइज सिस्टम है और कंट्रोल सिस्टम है। डिप्टी मैनेजर E1 के लिए नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, सिग्नलाइज सिस्टम एंड कंट्रोल, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है, फिर EMFT है। E1 डिप्टी मैनेजर के लिए बात करें इलेक्ट्रिकल में, सर्किट थ्योरी है, सिग्नल सिस्टम, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग कम्युनिकेशन है, कंट्रोल एंड मेजरमेंट है, पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम प्रोडक्शन है, डिजिटल आपका ही है। चलो ये तो बात हुई इस वैकेंसी की, तो मेरा कहने का मतलब ये है अच्छी ठीक ठाक वैकेंसी है, तो आप इसमें फॉर्म भर दें। और जितने भी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है कि ऐसे वैसे वैकेंसी बार बार नहीं आता, मेरे कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ये आपका रेलटेल का, तो एक बार आप जहाँ पर यहाँ पर रेलटेल पर जाके अच्छी तरह देख लेना जो भी है। दूसरा अपन बात किया जाए इसके जो रिगार्डिंग जो बैच है, इसके जो रिगार्डिंग बैच है वो लॉन्च कर दिए जाएंगे एक दो दिन में। दूसरी बात यह, अगर किसी को महापैक में जाना है तो महापैक बैच चॉइस होता है, तो महापैक जो अवेलेबल है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी महापैक अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का भी महापैक अवेलेबल है। और आज की डेट में अगर आप कोड 2310 का यूज करके आप महापैक लेते हो तो आपको 79% का ऑफ मिल जाएगा रेस्पेक्टिव ब्रांच में। आप इलेक्ट्रिकल खरीदना चाहो तो इलेक्ट्रिकल खरीद कर सकते हो, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदना चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद सकते हो, और सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन लेना चाहो तो ले सकते हो। और 1 ईयर का जो पड़ेगा लगभग 3500 रुपये में पड़ेगा। 1 ईयर में जितना भी आपका प्री प्लस मेंस प्लस मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज ये सब कुछ आपको बस एक बार आपको 3500 रुपये देना, उसके बाद फ्री हो जाना, उसके बाद लाइव क्लास आप अटेंड करो मस्ट टाइप से। अगर वो जॉब वाला है लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करे, वो रिकॉर्डेड सेक्शन में जाए, जो लाइव क्लास के बाद वो वीडियो जो रिकॉर्डेड में चली जाती हैं तो वहाँ से रिकॉर्डेड में वो डे बाय डे देख सकता है। पर मैं आपसे कह रहा हूँ फायदा आपको तभी होगा जब आप कोड 2310 का यूज करोगे, तभी आपको 79% का ऑफ मिलेगा। आज की डेट में जाना है, आज आपको 500-600 रुपये का फायदा हो जाएगा इस कोड का यूज करके, कल हो सकता है थोड़ा महंगा पड़े। जिसको जाना है तो कोड 2310 का यूज करके वो कोई भी मापे में जा सकता है। आप सबके लिए लव यू ऑल द बेस्ट।